हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मुझे आशा है आप बहुत ही अच्छे होंगे। हम जो है बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहे हैं और बिल्डिंग मटेरियल में हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है ब्रिक्स। और ब्रिक्स में भी हम जो है ब्रिक्स की टेस्टिंग करना जो है सीख रहे हैं, कैसे हम लोग ब्रिक्स की टेस्टिंग करते हैं ब्रिक्स को पकाने के बाद। ठीक बात है। तो पिछले वीडियो में हमने ब्रिक्स की जो है दो टेस्टिंग को जो है हमने पढ़ा था। एक बार देख लेते हैं कि हमने जो है कौन कौन सी दो टेस्टिंग हमने पढ़ी थी। तो हमने जो है ये हमें जो है पांच टेस्टिंग जो है पढ़नी है ब्रिक्स से संबंधित। ठीक बात है। और इसमें से हमने दो को कवर कर लिया है, पहला था डायमेंशन टेस्ट और दूसरा था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है। और इसके बाद से हमें जो है पढ़ना है तीन टेस्ट बचे हुए हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट ये वाला, इफ्लोरेसेंस टेस्ट और वार्पेज टेस्ट। तो ये तीन टेस्ट जो है हमें कवर करने हैं। तो ये हमने देख लिया कि हमने क्या क्या पढ़ा था। अब हम आते हैं कि हम शुरू करेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। ठीक है। और ये सब जो है हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था, और क्या चीज़ें याद करनी थी सारा कुछ जो है हमने पिछले वीडियो में ही डिस्कस कर लिया था। अब हम जो है उसके आगे डिस्कस करेंगे, क्या है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा, पहले तीसरे नंबर का टेस्ट है, तीसरे नंबर का टेस्ट है वाटर एब्जॉर्प्शन, ABSOR PTION, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। तो ये हमारा जो है तीसरे नंबर का टेस्ट है, और इसका IS कोड है 3495 Part 3। ठीक है ना? सॉरी, Part 3 नहीं, Part 2। तो इसका जो है IS कोड है IS 3495 Part 2, और ऊपर वाले का हमने Part 1 लिखा था और ये जो है Part 2 है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो देखो, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में एब्जॉर्प्शन का मतलब बताया था मैंने कि जो कण होंगे, जैसे ये एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होगा कि ये जो ईंट होगी, इस ईंट में क्या होंगे कि छोटे छोटे वॉइड्स होंगे। ठीक है ना? और ये जो वॉइड्स होंगे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, तभी तो जब हम ऊपर पानी डालेंगे तो ये नीचे जो है आके इसमें जो है भर जाता है। तो इन वॉइड्स में जो है वाटर कितना भर रहा है, तो इसको हम निकालेंगे। तो वाटर एब्जॉर्प्शन यानी कि ईंट जो है जब वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो वो कहाँ रहेगा, वो इन वॉइड्स में रहेगा, छोटे छोटे रंध्रों में जाके रहेगा। तो इससे हमें ये पता चले जाएगा कि इसमें जो है रंध्र कितने हैं। आ रही है बात समझ में? तो ये वाटर कहाँ रहेगा, वाटर रंध्रों में रहेगा। तो अगर वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है तो इसका मतलब इसमें रंध्र ज़्यादा हैं, अगर वाटर कम एब्जॉर्ब हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें रंध्र कम है। ठीक है। तो वाटर एब्जॉर्प्शन के जरिए एक तो हमें ये पता चलता है कि इसमें जो ब्रिक्स बनी है हमारी, जो ब्रिक को हमने पकाया है, उस ब्रिक में वाइट्स जो है, वाइट्स इंग्लिश में बोले तो वाइट्स और हिंदी में बोले तो रंध्र, तो ये ज़्यादा है या कम है हमें ये पता चलेगा। ठीक बात है। अगर वॉइड्स इसमें ज़्यादा हुए, यानी कि अगर वाटर एब्जॉर्प्शन का मान ज़्यादा हुआ तो इसमें वॉइड्स ज़्यादा होंगे। ठीक है। अगर वॉइड्स ज़्यादा हुए तो ईंट की बर्निंग, BURNING, बर्निंग यानी कि ईंट जो है ठीक से नहीं पकी है। ठीक है। और अगर वाटर एब्जॉर्प्शन का मान अगर कम हुआ तो क्या होगा कि वॉइड्स जो होंगे वो भी कम होंगे, और इसका मतलब कि ईंट का जो बर्निंग है यानी कि ईंट जो है अच्छे से पकी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि ईंट की बर्निंग जो है अच्छे से हुई है या अच्छे से नहीं हुई है? तो हमने विट्रिफिकेशन जोन में देखा था, WVITRIFICATION, तो विट्रिफिकेशन हमने पढ़ा था। ठीक है। विट्रिफिकेशन स्टेज, तो उसमें क्या था कि जो सिलिका थी, SILICA, जो सिलिका है ईंट में, वो विट्रिफिकेशन में क्या होता है कि वो सिलिका के रूप में चेंज होने लगता है। ठीक है ना?
ये पूरा पिघलने लगता है, वो सॉलिड से पिघल के सिलिका फॉर्म में, एक्चुअल में सिलिका फॉर्म में शीशे जैसे रूप में वो आने लगता है, ग्लासी सरफेस बनाने लगता है। तो वो क्या करता है कि वो फ्लोइंग कंडीशन में आ करके और जो ये वॉइड्स दिख रहे हैं उनमें आके भर जाता है। तो जब ये फ्लो करके इन वॉइड्स में भर जाएगा तो ये जो वॉइड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, खत्म नहीं होंगे, बिल्कुल कम हो जाएंगे, ठीक है। जिसके कारण इसका जो डायमेंशन है वो रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस मतलब कि कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ईंट अच्छे से पकी रहेगी, इसका मतलब कि ये पूरा जो है पिघल करके इन वॉइड्स में आके भरा हुआ है और ईंट का डायमेंशन कम है और इन जो वॉइड्स हैं उनका आयतन क्या हो गया है, कम। तो जब आयतन कम रहेगा तो वाटर कम एब्जॉर्ब करेगा, सही बात है। अगर ये सही से नहीं पिघला रहेगा, यानी कि ठीक से बर्निंग नहीं हुई है इसकी, तो इसमें जो वॉइड्स थे जितने वो थोड़े से कम हुए होंगे और जिसके कारण ये वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, जिसके कारण कह सकते हैं हम कि ये ईंट जो है सही नहीं है और इसकी जो है बर्निंग सही नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें वॉइड्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो आप जो है रिलेट कर पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो आप जो है समझ गए होंगे कि हमें जो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट है इसका उद्देश्य क्या है। तो अगर वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो इसका मतलब इसमें रंध्र ज़्यादा हैं, अगर वाटर कम एब्जॉर्ब करेगा तो इसमें क्या होंगे, रंध्र कम होंगे। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि ईंट जो है अच्छी क्वालिटी की है या खराब क्वालिटी की है, और इसकी लिमिट है कि इतने से इतने के बीच में जो है हम इसको यूज करेंगे। तो अब हम जो है वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में जो है पढ़ते हैं कि हम जो है इसे कैसे करते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। तो ये किस लिए करते हैं, यह टेस्ट ईंट में रंध्रों की मात्रा ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट जो है हम ईंट में रंध्रों की मात्रा जो है ज्ञात करने के लिए करते हैं, ठीक है। और दूसरा दूसरा क्या हमें पता चलता है कि अगर वाटर एब्जॉर्प्शन का मान अगर क्या है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि इसमें जो है बर्निंग सही से नहीं हुई है। अगर वाटर एब्जॉर्प्शन का मान अगर कम है तो इसका मतलब कि जो बर्निंग है वो सही से हुई है। तो वाटर एब्जॉर्प्शन यहाँ पे लिख लेंगे WATER, वाटर ABSORPTION, वाटर एब्जॉर्प्शन, ब्रिक BRIC के ब्रिक की यहाँ पे लिख लो बर्निंग BURNING, BURNING बर्निंग को DANOTE डिनोट करता है, ठीक है ना। तो वाटर एब्जॉर्प्शन बर्निंग को डिनोट करता है, ये चीज हमने समझ ली। अब देखो इस टेस्ट को करने के लिए ना हम 5 ब्रिक्स लेते हैं, 5 ईंटें लेते हैं सैंपल के रूप में। तो यहाँ पे लिखते हैं इस टेस्ट को करने के लिए 5 ब्रिक्स लेते हैं। तो इस टेस्ट को हम करने के लिए जो है 5 ईंट जो है सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, अब देखो हमें वाटर एब्जॉर्प्शन ज्ञात करना है, वाटर कितना सोख रहा है, ठीक है। तो जब हम जो ईंट सेलेक्ट करेंगे, चाहे हमने जो भी ईंट सेलेक्ट किया है, तो उसमें हो सकता है कि पहले से थोड़ा बहुत वाटर हो। पहले क्या होता है कि जब ईंटों को
भट्टी से निकालते हैं तो उसे चट्टे के रूप में लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो जब चट्टे के रूप में हम लगा लेते हैं तो क्या होता है कि इसमें बारिश होती है, और बारिश होने के बाद क्या होता है कि ईंट जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो हम ये पूरा ऐसे मतलब देखना चाहते हैं कि पहले से इसमें वाटर बिल्कुल भी ना हो, और जब ये पूरी तरीके से ड्राई हो तो कितना ये वाटर सोख रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं, तो हम लोग करते हैं पहले सभी ईंटों को, सभी ईंट को OVEN ओवन ड्राई करके NORMAL नॉर्मल TEMPERATURE नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा करके तथा यहाँ पे लिखो प्रत्येक ईंट का WEIGHT वेट ज्ञात कर लेते हैं। तो सभी ईंटों को पहले हम ओवन, ओवन तो जान ही रहे होंगे ना, ये माइक्रोवेव ओवन जो है तो वही ओवन वाला है। तो इस ओवन में जो है पूरी तरीके से, इसके लिए अलग ओवन होगा, ठीक है, वही जो जिसमें खाना गर्म वर्म करते हैं वो वाला नहीं है, ठीक है, इसके लिए अलग होगा। तो ओवन ड्राई में सबसे पहले इसे हम ओवन में पहले इसे हम ड्राई कर लेते हैं, फिर इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर जो है ठंडा करते हैं। मतलब कूलिंग का जो है अलग अलग मेथड होता है, तो इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है। इसके बाद से हर एक ईंट का, यानी कि जो हमने 5 ईंटें ली हुई हैं, प्रत्येक ईंट का जो है हम वेट ज्ञात कर लेते हैं, तो उसका भार कितना, भार जो है हमें पता चल जाता है। अब क्या करते हैं कि सभी ईंटों को, 5ों ईंटों को 24 घंटे के लिए वाटर में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सभी ब्रिक्स को 24 घंटे के लिए पानी में रख देते हैं। तो सभी ईंटों को जो है 24 घंटे के लिए पानी में रख देंगे, तो क्या होगा कि ईंट जो है 24 घंटे में पूरे अच्छे तरीके से वाटर को जो है सोख लेगी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि उसे बाहर निकालेंगे, और उसे जो है पहले बाहर निकालेंगे, और बाहर निकाल के जब उसके सरफेस का जो ईंट है, ईंट पे देखो बाहर निकालेंगे तो उसके सरफेस पे वाटर जो है रहेगा, वो रिस रहा होगा। तो अब बाहर निकाल के उसे सूखे कपड़े से पोंछ लेंगे, या जब उसका जो सरफेस है, उसका जो वाटर है, उसे पूरी तरीके से जब सूख जाएगा, तो सूखने के बाद हम इसका दोबारा से जो है वेट ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो प्रत्येक ईंट का वेट जो है ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि पहले स्टेज में जो प्रत्येक ईंट का जो वेट है वो W1 है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि उसे बाहर, प्रत्येक ईंट को जो है बाहर निकाल करके, उसे बाहर निकाल कर जब SURFACE सरफेस वाटर, यानी कि सरफेस पे जो वाटर है सूख जाए, मतलब लिख लेना जो भी समझ में जाए, तो पुनः उसका वेट, मान लो ये वेट जो हम याद करेंगे वो W2 होगा, ठीक है ना। ये पहले से तो अलग ही होगा क्योंकि इसने वाटर सोखा है, तो पहले से इसका वेट जो है ज्यादा होगा। तो मान लो इसका वेट जो है W2 है, वेट ज्ञात कर
लेते हैं। ठीक बात है। तो इसका हमने वेट जो है दोबारा से हमने ज्ञात कर लिया। अब जो है वेट हमने ज्ञात कर लिया, तो अब वाटर एब्जॉर्प्शन जो है कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो हम जो है ड्राई वेट की तुलना में ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो है वाटर एब्जॉर्प्शन का जो फार्मूला हम लिखेंगे यहाँ पे, WATER, वाटर, ABSOR, TTION, वाटर एब्जॉर्प्शन किस में? परसेंटेज में, ठीक है। तो W2 ये वाटर सोखा हुआ है, और इसमें से W1 इसका जो ड्राई वेट है वो घटा देंगे, और हम जो है ड्राई वेट की तुलना में ज्ञात कर रहे हैं। पहले ड्राई वेट इतना था, तो इसकी तुलना में इसने कितना वाटर सोखा ×100। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो वाटर एब्जॉर्प्शन है इसने कितना वाटर जो है, कितना पानी को जो है इसने सोखा हुआ है, ठीक है। और इसके आधार पे हमें ये पता चलेगा कि इसमें वॉइड्स कितने हैं। ठीक बात है। तो ऐसे हम करते हैं, ठीक है ना। तो देखो, अगर वाटर एब्जॉर्प्शन का मान 20% से जो है, वाटर एब्जॉर्प्शन का मान जो है 20% से अधिक नहीं होना चाहिए, किसके लिए? 12.5 क्लास तक की ब्रिक के लिए। ये हम जो है आगे पढ़ेंगे, बस हम इसको पहले नोट कर लेते हैं। जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम पढ़ेंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी अपने आपको बताया था कि इसको हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख लेते हैं, AVERAGE, एवरेज। देखो, हम 5 ईंटें ले रहे हैं, ठीक है। तो 5 ईंटों को सबको ओवन ड्राई किया है, और सबको एक साथ जो है 24 घंटे के लिए वाटर में डाला है। तो हो सकता है कि कोई ईंट जो है, अब सब ईंटें तो एक ही बराबर नहीं वाटर सोखेंगी, है ना। तो कोई ईंट ज़्यादा पानी सोखेगी, कोई कम सोखेगी। तो सबका जो है, पाँचों का एवरेज ले करके, और हम लोग वाटर एवरेज ले लेंगे, तो उसी को एवरेज वाटर एब्जॉर्प्शन कहेंगे, ABSOR, PTION। वाटर एब्जॉर्प्शन जो है अधिक नहीं होना चाहिए 20% बाई ड्राई, WEIGHT, ड्राई वेट ऑफ ब्रिक अप टू 12.5 CLAWS, क्लास ब्रिक। तो 12.5 क्लास तक की ब्रिक के लिए ये जो वाटर एब्जॉर्प्शन का मान है वो 20% से अधिक नहीं होना चाहिए ईंट के ड्राई वेट की तुलना में। ठीक बात है। तो देखो, जैसे हम पढ़ते हैं ना, M5, M7.5, फिर इसके बाद से M10, उसी तरीके से ये नीचे से आएगा 3.57 ऐसे करके, और इसके बाद से 12.5, फिर इसके बाद से हम आगे बढ़ते जाएंगे 15 ऐसे करके, ठीक है ना। तो यहाँ से जैसे M5 से M10 कहेंगे, तो ये इस रेंज में आ रहा है। तो उसी तरीके से इस रेंज तक, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के ईंट के लिए वाटर का एब्जॉर्प्शन का मान है वे 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन का मान जो है हम ज़्यादा रख रहे हैं, क्योंकि ये जो ईंट का जो क्लास है, ईंट की जो स्ट्रेंथ है, वो क्या है? कम है। तो हम जब आगे इस क्लास को डिफाइन करेंगे, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। और इसके बाद से वाटर एब्जॉर्प्शन AVERAGE, एवरेज वाटर ABSOR, TTION, एवरेज वाटर एब्जॉर्प्शन का मान जो है अधिक नहीं होना चाहिए 15% बाई WEIGHT, बाई वेट ऑफ बाई ड्राई वेट ऑफ ब्रिक, ठीक है। ड्राई वेट ऑफ ब्रिक हायर
हायर क्लास, ठीक है। तो ये हायर क्लास मतलब क्या, ये 12.5 क्लास से, देख A B O V E 12.5, तो अगर 12.5 12.5 क्लास से अधिक की जो ईंट है, तो उससे अधिक क्लास की ईंट के लिए जो वाटर एब्जॉर्प्शन का मान होगा वो 15% से अधिक नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात को जो है ध्यान में रखेंगे। तो ये हमारा जो है क्या था, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, ठीक है ना। तो ये वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट था, और हमने बता रखा है आपको कि जो टेस्ट है उसमें कितने ईंटें यूज की जाती हैं किस टेस्ट के लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको जो है ध्यान में रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो अगला टेस्ट रहेगा चार नंबर का, ये 40 नहीं है, चार नंबर है, ठीक है। तो चार नंबर का हमारा जो टेस्ट रहेगा वो इफ्लोरोसेंस टेस्ट रहेगा, EFFLORE, क्या है, एक मिनट रुक जाओ, RESCENCE, EFFLORESCENCE, फ्लोरोसेंस टेस्ट। तो इफ्लोरोसेंस टेस्ट के लिए IS कोड क्या है, IS 3493495, पार्ट टू के बाद 3। अब इफ्लोरोसेंस क्या होता है, इसको हिंदी में उत्फुल्लन कहते हैं, और उत्फुल्लन जो है हमने देखा था कि जो एल्कली होता है उसके कारण होता है, ठीक है ना। तो एल्कली के कारण जो है ईंट में जो है उत्फुल्लन होता है। तो क्या होता है, जैसे कि ईंट है, तो ईंट में अगर एल्कली की मात्रा ज्यादा रहेगी तो इसमें उत्फुलन होगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें ना सफेद सफेद जो है धब्बे पड़ जाएंगे, सफेद व्हाइट पैचेस, आपने देखा होगा कि कई सारी ईंटों पे जो है सब व्हाइट व्हाइट जो है धब्बे पड़े रहते हैं। अब ये एल्कली है, ऊपर से इसमें जो है क्या होगा, ये एल्कली है तो इसमें अगर एल्कली रहेगा तो व्हाइट जो है धब्बे पड़े रहेंगे, ठीक है। और एल्कली के कारण क्या होगा कि ये बाहर से जो नमी है, नमी को अवशोषित करेगा, और अवशोषित करके इसमें जो है सीलन रहेगी, और इस एल्कली के कारण और उस नमी के प्रभाव के कारण जो है ये धीरे धीरे झड़ने लगेगा, ठीक है ना। तो ये चीजें होती है, तो इस टेस्ट को जो है हम कैसे करते हैं, हम लोग कैसे पता लगाते हैं कि इसमें जो है कितना एल्कली है, ठीक है। तो इस टेस्ट को जो है एल्कली की मात्रा जो है ज्ञात करने के लिए करते हैं, और इस टेस्ट को कैसे करते हैं ये हम समझते हैं। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं, इस टेस्ट द्वारा, इस टेस्ट द्वारा ईंट में एल्कली की मात्रा ज्ञात करते हैं। तो इस टेस्ट द्वारा जो है ईंट में एल्कली की मात्रा ज्ञात करते हैं। अब एल्कली क्या, तो हमने एल्कली कई लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, चाहे समझ भी रहे होंगे तो मैं बता देता हूँ एक बार, ये पीरियोडिक टेबल हो गया, ठीक है ना। और ये जो पहले दो है, पहले दो क्या बोलेंगे इसे, कॉलम है, तो इन पहले दो कॉलम में जो है जो जितने भी सारे एलिमेंट हैं, तो इस पहले वाले को कहते हैं एल्कली, एल्कली मेटल, ए एल के
एल्कली मेटल, और दूसरे वाले को कहते हैं, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया, तो इस दूसरे वाले को कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, ALKALINE, एल्कलाइन ERTH, अर्थ मेटल, ठीक है। और ये पहले वाले को एल्कली मेटल कहते हैं। तो हमने जब देखा था शुरू में जो कम इंग्रेडिएंट्स देखे थे या जो भी कंपोजिशन हमने देखा था, तो उसमें एल्कली के रूप में क्या था, Na2O और K2O, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम जो है एल्कली मेटल में आते हैं, और ये जो है सोडियम पहले रहता है, इसका 11 परमाणु क्रमांक होता है, और पोटेशियम उसके बाद रहता है, इसका 19 रहता है परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो इस वजह से हम जो है इसे एल्कली कह रहे हैं, आ रही है बात समझ में। और एल्कलाइन होता तो इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम ये सब होते हैं, और इसमें एल्कली मेटल में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ये सारे जो है पहले वाले ग्रुप में होते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से ये इनको जो है एल्कली मेटल कहते हैं। तो इस फर्स्ट ग्रुप में जितने भी सारे होंगे वो एल्कली मेटल होंगे, और सेकेंड ग्रुप में एल्कलाइन अर्थ मेटल होंगे। तो ये आपको जो है थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा था आपसे कि अगर आप पीरियोडिक टेबल याद कर लोगे तो आपको बहुत सारा जो है फायदा मिलेगा, हर चीज को जो है रिलेट कर पाओगे, हर चीज को, किसी भी चीज को रिलेट कर पाओगे फटाक से, और समझने में कोई से भी दिक्कत नहीं होगी। तो जो लोग याद कर चुके होंगे, इंटर कर लिए होंगे, उनको तो फायदा मिलेगा ही। तो हम करते क्या है ना कि हम जो है एक सर्कुलर या जो भी रेक्टेंगुलर, एक हमारे पास जो है कांच का बर्तन होता है, उस बर्तन में हम पहले क्या करते हैं, उस बर्तन में हम जो है 2.5 सेंटीमीटर या 25 mm कह लो, उस गहराई तक जो है, इस गहराई तक जो है पानी भर लेते हैं, और ईंट को ऐसे वर्टिकली क्या करते हैं हम लोग, खड़ा कर देते हैं, ठीक है, ईंट को ऐसे वर्टिकल खड़ा कर देते हैं। तो अब क्या होगा, ईंट की ये इसमें कितना पानी है, 2.5 सेंटीमीटर पानी है। तो अब ईंट जो है इस पानी को जो है पूरा तरीके से क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, या एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो ये वाटर जो है जब पूरी तरीके से इवेपोरेट हो जाएगा, तो कुछ जो है इवेपोरेट होगा, मतलब कुछ वाष्पित होगा और कुछ जो है एब्जॉर्ब करेगा। तो जब ये पूरी तरीके से इसमें का वाटर खत्म हो जाएगा, तो अब हम देखेंगे कि ये जो ईंट है, अगर इस ईंट में एल्कली की मात्रा हुई, एल्कली की अगर मात्रा हुई, तो इस ईंट पे जो है ना सफेद सफेद धब्बे पड़ जाएंगे, सफेद सफेद, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट पैचेस। तो अभी इसके चारों ओर सरफेस पे जो है व्हाइट व्हाइट जो है पैचेस पड़ जाएंगे अगर एल्कली होगा। तो इसके आधार पे हम डिफाइन करेंगे कि इसके आधार पे हम देखेंगे कि अगर इसके पूरे सरफेस पे व्हाइट पैचेस हैं, कि कम सरफेस पे हैं, कि एकदम नहीं है, तो उसके आधार पे हम जो है डिफाइन करेंगे कि इसमें जो है इफ्लोरेसेंस का मात्रा जो है कितना है, ठीक है ना। तो बस इसमें कुछ नहीं है, वही है कि इसे वर्टिकल खड़ा कर देंगे और ये वाटर को अवशोषित कर लेगा, या वाटर जब खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से तो हम जो है इफ्लोरेसेंस की मात्रा जो है पता कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, ईंट को 2.5 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में लिख लो 25 mm पानी से भरे, CONTAINER कंटेनर में, VIRTICAL, वर्टिकल को हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर रख देते हैं भाई, ऊर्ध्वाधर रख देते हैं, वर्टिकल जो है खड़ा करके रख देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ईंट द्वारा जो है ये पानी अगर पूरी तरीके से क्या होगा कि एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, या अवशोषित हो जाएगा। तो हम जो है
उसकी सरफेस पे जो है व्हाइट पैचेस का जो है परसेंटेज ज्ञात करेंगे, तो क्या होगा? इंट इंट द्वारा पूरी तरह पानी अवशोषित अवशोषित करने और वाष्पित वाष्पित को मैं लिख रहा हूँ, वाष्पन को लिख रहा हूँ इवेपोरेशन, ठीक है? EVAPORATION, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब कि वाष्पन, इवेपोरेशन के बाद उसे बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है? तो या तो पूरी तरीके से इसने वाटर सोख लिया है, या वाटर जो है पूरी तरीके से खत्म हो गया है उस कंटेनर में, तो हम इसे बाहर निकालेंगे। अब क्या करेंगे कि उसके सरफेस पे उसके SURFACE सरफेस, उसके सरफेस सरफेस मतलब कि सतह, उसके सरफेस पर उत्पन्न वाइट वाइट पैचेस PATCHES पैचेस की प्रतिशत मात्रा जो है क्या करते हैं ज्ञात कर लेते हैं। अब ईंट जो है ना, तो ईंट का चारों तरफ का सरफेस का एरिया तो हमें पता होगा, तो उस सरफेस एरिया से जो है हम तुलना करके और वाइट इस वाइट पैचेस जो है कितने सरफेस पे है, उस सरफेस का जो है उस सरफेस एरिया की तुलना में हम इसका परसेंटेज ज्ञात कर लेंगे, और परसेंटेज ज्ञात करने के बाद जो है हम जो है इसका जो है इफ्लोरोसेंस जो है पता कर पाते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ्लोरोसेंस मतलब कि एल्गी की मात्रा। तो अगर वाइट पैचेस यहाँ पे लिखते हैं WHITE वाइट पैचेस PATCHES, व्हाइट पैचेस मतलब कि सफेद धब्बा, ठीक है? पैचेस का मतलब होता है क्या? धब्बा, आप लोग लिखेंगे। और यहाँ पे लिखते हैं इफ्लोरोसेंस, EFLORESCENCE, तो एक साइड जो है इफ्लोरोसेंस लिखते हैं। तो अगर अगर जो है बिल्कुल भी सफेद धब्बे नहीं पड़े हैं इसके सरफेस पे, यानी कि उसमें एल्गी की मात्रा जो है बिल्कुल भी नहीं है, तो नहीं है तो उसे नील कहेंगे। नील का मतलब होता है जीरो, ठीक है ना? बिल्कुल भी नहीं है। अगर अगर क्या हुआ कि वाइट पैचेस की मात्रा जो है 10% से कम है, ठीक है? अगर देखो कई लोग ये नहीं समझ पाते होंगे, जो भी मतलब जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, तो अगर ए की तरफ जो है ये चोंच है इसका, तो मतलब ए छोटा है, और बी की तरफ ये चोंच इसका खुला हुआ है, तो यानी कि इसका जो बी क्या है बड़ा है, ठीक है ना? तो इसको मैं एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, बी और यहाँ पे ए लिख दिए, तो इधर क्या है चोंच जो है इसका जो है बंद है, तो ये जो है छोटा है, चोंच इधर खुला हुआ है, तो ये क्या है कि बड़ा है। आ रही बात समझ में? और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी है और इसे ऐसे कर सकते हैं, तो चोंच इधर की तरफ क्या है इसका, बी की तरफ बंद है, तो बी छोटा है, और ए की तरफ खुला है, तो ए बड़ा है, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बी है, पहला वाला बी है, और ये ऐसे है, तो बी की तरफ जो है चोंच खुला हुआ है तो ये बड़ा है, और इसकी तरफ चोंच बंद है तो ये क्या है, छोटा है। समझ आए ना? तो एक सिंपल सा आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जिसकी तरफ जो है चोंच खुला रहेगा वो बड़ा रहेगा,
और जिसकी तरफ बंद रहेगा वो छोटा रहेगा। तो अगर ये वाइट पैचेस है ठीक है ना, और वाइट पैचेस अगर 10% से कम है, ये गलत मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको सही लिखते हैं। तो अगर वाइट पैचेस की मात्रा अगर, तो इसके यहाँ पे ऐसे लिखने का मतलब है कि मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि वाइट पैचेस है यहाँ पे और ऐसे, और ये 10% से क्या है, कम है, ऐसे ठीक है ना। तो व्हाइट पैचेस की मात्रा अगर 10% से क्या है, कम है, तो इसे हम कहेंगे कि स्लाइट है। फ्लोरोसेंस क्या है, स्लाइट, SLIGHT, मतलब हल्का सा है ठीक है, थोड़ा सा हल्का, थोड़े से हल्का, तो इसे हम कहेंगे स्लाइट फ्लोरोसेंस। और जीरो है तो नील, अगर 10% से 50 के बीच में है व्हाइट पैचेस, यानी कि पूरा आधे सरफेस को कवर कर रखा है, या तो 10% तक है, आधे से कम है या आधे तक है, तो इसे हम कहेंगे कि मॉडरेट, मध्यम, MODERATE, मॉडरेट, मध्यम है। और अगर ये आधे से अधिक सरफेस को इसने कवर कर लिया है, 50% से ज्यादा हो गया है, तो इसे कहेंगे हैवी, यानी कि उसमें जो है एल्कली की मात्रा ज्यादा है ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। तो अगर इफ्लोरोसेंस क्या है, नील है, मतलब बिल्कुल भी नहीं है, तो ये हैवी ड्यूटी ब्रिक में होगा ठीक है, HAVEY, हैवी, DUTY, ड्यूटी, BRICK, ब्रिक, हैवी ड्यूटी ब्रिक। अब हैवी ड्यूटी ब्रिक क्या होता है, मतलब हैवी से आपको पता चल रखा है भारी, और ड्यूटी का मतलब वो अपना जो है कार्य करेगा जो उसका काम है, और ईंट है, तो अगर कोई भी ईंट है उसका जो है बहुत ज़्यादा वो लोड ले रही है ठीक है ना, तो उसे हम हैवी ड्यूटी ब्रिक कहते हैं। या उसका कई ऐसे जगहों पे कार्य किया करते हैं, यूज करते हैं ईंट का, जो नॉर्मल ईंट जो है हम वहाँ पे यूज नहीं कर पाते, तो उन ईंट को जो हैवी ड्यूटी ब्रिक कहते हैं। तो उसमें इफ्लोरोसेंस की मात्रा जो है बिल्कुल भी नहीं रहती है ठीक है। और ये हैवी ड्यूटी ब्रिक क्या होते हैं ये सब हम आगे पढ़ेंगे ठीक है ना, तो आपको और अच्छे तरीके से जो है क्लियर होगा। तो ये जो टेबल यहाँ पे है इसको ध्यान में रखना है, और ये जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक बात है। तो हमने ऊपर वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में देखा, और इसके बाद से इफ्लोरोसेंस है हमारा ठीक है। तो अगर इफ्लोरोसेंस ठीक है, तो इफ्लोरोसेंस अगर 10 से 50 के बीच में है, 10 to 50, तो ये 12.5 क्लास तक के लिए सही है ठीक है ना। अगर हमारी जो है 12.5 क्लास तक की ब्रिक है, तो उसके लिए इफ्लोरोसेंस जो है इतना तक रहेगा तो ठीक रहेगा। लेकिन अगर हम इससे अधिक क्लास तक जाएंगे, 12.5 क्लास से अगर हम अधिक ईंट की बात करें, तो उसमें जो इफ्लोरोसेंस का मान है वो स्लाइट होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए ठीक है। क्योंकि ये 12.5 क्या है, ये स्ट्रेंथ है उसकी, स्ट्रेंथ है। तो हम जस्ट इसके बाद जो है डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे, नोट नोट करके, या ऐसे ही नोट करके लिख लेते हैं नोट, और नोट में पहला लिख लेते हैं कि 12.5 CLS क्लास तक इफ्लोरोसेंस EREESCENCE इफ्लोरोसेंस MODERATE मॉडरेट होना चाहिए ठीक है। तो 12.5 क्लास तक की ब्रिक के लिए जो इफ्लोरोसेंस है वो मॉडरेट होना चाहिए, मॉडरेट बोले तो 10 to 50% ठीक है ना, तो इसके बीच होना चाहिए। और इसके बाद से
यहाँ पे लिखते हैं 12.5 क्लास से अधिक के लिए 12.5 क्लास ब्रिक से, यहाँ पे ब्रिक लिख लो, ब्रिक ब्रिक लिख लो, तो 12.5 क्लास ब्रिक से अधिक के लिए जो फ्लोरोसेंस है, EFFLORESCENCE फ्लोरोसेंस लाइट, SLIGHT, और स्लाइट बोले तो 10% होना चाहिए। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि एकदम मस्ट है कि 10% होना ही चाहिए। अरे 10% से कम भी रहेगा तो ठीक है, लेकिन 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम 12.5 क्लास से अधिक ईंट के लिए बात करेंगे, तो अगर हम 12.5 क्लास तक की ब्रिक के लिए करें, मतलब हम कि छोटे से आ रहे हैं और 12.5 क्लास तक पहुंच रहे हैं, तो इसके लिए फ्लोरोसेंस का मान जो है 10 से 50 के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन 50 से ज़्यादा जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है, तो ये जो फ्लोरोसेंस टेस्ट है हमारा वो ख़त्म होता है, ठीक है। और लास्ट टेस्ट हमारा बचता है वार्पेज टेस्ट। तो हमने यहाँ से डिस्कस करा है फ्लोरोसेंस टेस्ट के बारे में, तो ये आप जो है समझ गए। अब हमारा जो लास्ट टेस्ट है पांचवा, वो है वार्पेज, WARPAJE, वार्पेज TEST। वार्पेज टेस्ट है ना, तो इस टेस्ट के द्वारा हम क्या करते हैं, IS 3495 Part 4, IS 3495 Part 4, ये क्या है, वार्पेज टेस्ट है। इस टेस्ट में ना हम ईंट के सरफेस को जो है चेक करते हैं, सरफेस को देखते हैं कि वो क्या है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इस टेस्ट द्वारा ईंट के SURFACE सरफेस को CHPC के चेक करते हैं। तो इस टेस्ट द्वारा हम ये पता करते हैं कि ईंट का सरफेस जो है कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो स्मूथनेस या स्ट्रेटनेस, चलो छोड़ो मैडम क्या लिखोगे। और इस टेस्ट को करने के लिए हम जो है 10 ईंटें लेते हैं। इस टेस्ट को करने के लिए 10 ईंट जो है लेते हैं। 10 ईंटें जो है हम चट्टे से ऐसे ही रैंडमली ले लेंगे और उसके बाद से चेक करेंगे, ठीक है ना। और इस टेस्ट को करने के लिए हम जो है स्टील के जो है वेज का यूज करते हैं। इस टेस्ट को करने के लिए STWL स्टील, WEDGE स्टील वेज, और इसकी साइज रहती है 15x15x60 mm स्टील वेज का यूज करते हैं, ठीक बात है। तो मैं स्टील वेज आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसा होता है स्टील वेज।
स्टील ब्रिज कहाँ है भाई? एक मिनट रुक जाओ। ब्रिक ब्रिक मेजरिंग एज लिखा होगा ना। तो ये है वेज, और इसका यूज हम जो है तो ऐसा कुछ ना वेज होता है, ठीक है। वेज मतलब जानते हो आप क्या होता है? वेज मतलब होता है पच्चर, पच्चर, ठीक है। वेज मतलब क्या होता है? पच्चर। अब पच्चर क्या होता है कि जब लकड़ी फाड़ते हैं ना, आपने देखा होगा कि जब लकड़ी फाड़ते हैं या आपके घर में खाट वोट होगा तो उसमें कुछ मतलब नुकीला सा आगे से क्या रहेगा, वो नुकीला रहेगा ऐसे, और लकड़ी ऐसे आगे से नुकीला लकड़ी रहेगा या लोहे के कुछ भी रहेगा, तो उसे उस खाट में जहाँ पे ढीला पड़ेगा उसमें डाल के पूरा मार के इसे अंदर ठोक देते हैं और टाइट कर देते हैं। और लकड़ी फाड़ते हैं तो उसे में दरार डालने के लिए, लकड़ी को फाड़ने के लिए थोड़ा सा क्रैक्स पड़ता है, तो उसमें इस नुकीले चीज को डाल के थोड़ा सा ठोक देते हैं तो इसमें और ज्यादा क्रैक्स हो जाते हैं, तो वो फैल जाता है। तो इसको ना वेज कहते हैं इंग्लिश में, और इसको हिंदी में पच्चर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको पूरा पच्चर जैसा दिख रहा है ऐसा नुकीला, ठीक है। और इसकी साइज जो है 15 गुड़े 60 mm जो है हमने लिखा रखी है, तो ये इसकी साइज होती है। अब देखो इससे क्या करते हैं कि जैसे ईंट बनेगी हमारी, तो हमने कहा कि जो ईंट है उसके सरफेस को जो है चेक करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये ईंट बनेगी तो अब ईंट तो ऐसी तो बिल्कुल नहीं बनेगी कि जो हम शुरू में इसको पाथे थे, शुरू में इसकी हमने मोल्डिंग करी थी, तो इसके जो पूरे ऐसे एकदम स्ट्रेट मतलब एकदम सीधे थे, इसके एज जो है इसके जो ये किनारे हैं वो पूरे एकदम क्या थे, सीधे थे। तो पकने के बाद ना ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि सिलिका जो है पिघलने लगता है, जिसके कारण जो है ये टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है। तो अब क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, ये टेढ़ा मेढ़ा होगा तो क्या होगा, या तो ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा, या तो ये बाहर की तरफ फेंक देगा, या ये अंदर की तरफ चला जाएगा। टेढ़ा मेढ़ा कहने का मतलब क्या होगा, या तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा और या तो ये बाहर की तरफ आएगा। तो अगर बाहर की तरफ आ रहा है तो ये कन्वेक्स हो रहा है यानी कि उत्तल, और अंदर की तरफ जा रहा है तो ये कॉनकेव हो रहा है यानी कि अवतल। तो इसके द्वारा हम मेजर करके पता करते हैं कि ये पूरा स्ट्रेट है या उत्तल हो गया है या अवतल हो गया है, ठीक है ना। तो इसी को हम वार्पेज टेस्ट कहते हैं, और इससे हम यही पता लगाते हैं कि इसका सरफेस जो है अवतल है या उत्तल है, ठीक है। तो बस इस टेस्ट के बारे में इतना ही जानना है, बाकी इस टेस्ट के बारे में कोई डिटेल में जानकारी नहीं चाहिए हमको। और इसमें पहले इसका डायमेंशन याद रखेंगे, वेज का डायमेंशन, और इसमें 10 ईंटें होती हैं, इसके द्वारा सरफेस चेक करते हैं। बस ये 3 चीज़ें हैं और तीनों को जो है याद रखना है। तो हमने जो है ब्रिक्स के संबंधित जितने भी सारे टेस्ट थे वो हमने पढ़ लिए हैं, तो एक बार शुरू से हम लोग देख लेते हैं। तो शुरू से हमने पहले पढ़ा वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, और इसके लिए हम लोग 5 ईंटें यूज करते हैं, और इसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि ईंट में रंध्रों की मात्रा क्या है, और वाटर जो है उसकी बर्निंग, जो ईंट है उसकी बर्निंग सही से हुई है कि नहीं हुई है, ठीक बात है। इसके बाद दूसरा टेस्ट हमने पढ़ा इफ्लोरोसेंस टेस्ट,
ठीक बात है। तो इसके द्वारा हम एल्कली की मात्रा पता करते हैं, और इसमें जो है 2.5 सेंटीमीटर गहरा जो है वाटर हम लोग लेते हैं, और इसके लिए हम लोग सिंगल एक ईंट का यूज करते हैं, उसे वर्टिकली खड़ा कर देते हैं, और खड़ा करने के बाद जो है उस पे जो धब्बे पड़ते हैं सफ़ेद सफ़ेद, तो उसके अनुसार हम पता लगाते हैं कि इसमें एल्कली की मात्रा जो है कितनी है। ठीक है, और इसके बाद से हमारा लास्ट टेस्ट था वार्पेज टेस्ट, और ये जो है सरफेस यानी कि सतह को जो है चेक करने के लिए किया जाता है। तो हमने टेस्ट को ख़त्म कर लिया है, ठीक है ना। तो अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो, कुछ भी ना आ रहा हो, तो जो है आप जो है ज़रूर पूछिएगा, और अगर आप नए जुड़े हुए हैं तो आप जो है सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे ही अच्छे अच्छे जो है वीडियो मिलेंगे, ठीक है ना। और सारे पूरे मतलब कहीं पे कुछ भी स्किप नहीं होगा, जितना मुझे पता है उतना सब आपको भी पता रहेगा, ठीक है। और कहीं पे कुछ भी दिक्कत हो तो जो है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित किसी भी टॉपिक से आप जो है मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपके छोटे जूनियर या बड़े सीनियर जो भी हैं उनको नहीं पता है, अगर आप ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं तो आप जो है उनको जरूर बता सकते हैं, ठीक है ना। और जो भी मतलब देख रहा है अभी, तो इस बिल्डिंग मटेरियल ख़त्म होने के बाद वो कौन सा सब्जेक्ट जो है पढ़ना चाहता है, मैं तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या सर्वेइंग, इन तीन सब्जेक्ट में से कोई सा भी एक जो भी आप कहेंगे तो वो जो है शुरू करेंगे, है ना। तो अब ये ख़त्म होने वाला है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और आप लोग जो है मस्त पढ़ाई करें, मिलते हैं हम लोग इसके जस्ट अगले वीडियो में।